What's up ऑल my एस atoms? आई होप ऑल ऑफ यू आर doing रियली ग्रेट सो बच्चे जैसा कि जेई मेन इज अराउंड द कॉर्नर बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके जेई मेन के second अटेम्प्ट को तो आई thought वैसे ये मैंने नहीं सोचा ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने आ, बोला है कि मैम प्लीज टेक दिस काइंड ऑफ sessions. तो so, आज मैं आपके सामने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ सो so, बच्चे जैसे कि आपको पता है कि आर या पार सीरीज में मैंने आपको इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री के 376 सेवेंटी रिएक्शन कराए हैं एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने उन रिएक्शन को फॉलो भी किया बट वॉज यू वन थिंग जो मुझे अभी तक लगती है कि अगर मैं अपने बच्चों को ये वाला सेशन करा दूं तो आई थिंक बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सो आई होप अब तक आप गेस कर चुके हो गए वट आई एम टॉकिंग अबाउट सो बच्चे हियर आई एम विद्र्यू सेशन जिसकी आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द ट्रेंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी हमारे एस ब्लॉक में पी ब्लॉक में डी एंड एफ ब्लॉक में जितने भी ट्रेंड्स हैं एंड वंस आई टॉक अबाउट द ट्रेंड्स आई एम श्योर आपके पास लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन भी आती है राइट एंड आई एम श्योर आप बच्चों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे uh, चीज uh, कहीं ना कहीं अटक रही होगी कि मैम हमने प्रिपेयर कर लिए हैं बट स्टिल जब हम जेई मेन का पेपर उठाते हैं तो वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सोलिबिलिटी का क्या ट्रेंड है ऊपर से नीचे जाते हैं इनमें से कौन सा मैक्सिमम थर्मली स्टेबल है इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका एंड सो ऑन तो बच्चे अगर आपने जेई मेन दो बाइस का फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पेपर्स देखे थे वी डिस्क ऑल द सॉल्यूशंस विद यू तो अब तो बच्चे ये बात वेल well प्रूव हो गई है कि इस तरीके के ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन आप जेई मेन के पेपर में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो हर शिफ्ट में कम से कम दो क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर Uh, वो आपको ये जानना चाहता था कि क्या बच्चे को ट्रेंड्स पता है या नहीं पता सो so, बच्चे कल मैंने आपके लिए प्लान करी है एक स्पेशल क्लास ठीक है जो मैं लेने वाली हूँ एक बजे सो शार्प एट वन पी मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगी जहां पर हम इनऑर्गेनिक के जितने भी ट्रेंड्स हैं लेट मी बी वेरी प्रिसाइस ये जो मैं आपके ट्रेंड्स वाला सेशन लेने वाली हूँ ये हर वो बच्चा फॉलो कर सकता है जो नीट का एग्जाम और जो जेई मेन के एग्जाम के लिए फोकस कर रहा है सो आई एम श्योर बच्चे नीट का एग्जाम इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर एंड वेन इट कम्स टू ट्रेंड्स वेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जेई मेन और नीट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी आ जाती है इफ़ आई टॉक अबाउट इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स बिकॉज फैक्ट्स आर द फैक्ट्स राइट सो बच्चे कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खूब सारे इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स एंड जितने भी बच्चों को एक्सेप्शन याद करने मुश्किल लगते हैं कि मैम वो मैग्नीशियम एक्सेप्शन था ये हमें क्लिक नहीं करता मैम वहां पर एन एक्सेप्शन था ये क्लिक नहीं करता तो कल आपको स्पेशल क्लास में मैं खूब सारी चीज़ें डिटेल में सिखाने वाली हूँ सो मेक श्योर

स्पेशल uh, क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी सो मेक श्योर एवरी वन हैज़ टू बी देयर एट वन पी एम इन टुमॉरो स्पेशल क्लास तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब मचाते हैं ठीक है मिलते हैं कल की स्पेशल क्लास में बाय बाय